हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। सो दिस इज पुश इंग्लिश एंड आई एम रेणुका सिंह। एंड यस, माय चिल्ड्रन वर हियर। So please share it with your friends. I'm here, and today I'm going to take up the next chapter, the third chapter, in fact, or wo hai from the diary of Anne Frank. ठीक है? Well, let me just check how many children are there. थोड़ा सा wait करूँगी. 8:20 हो गया. I'm sorry. लेकिन yes, सब बच्चे जुड़ रहे हैं मुझसे. Let me see how many of them are there on the top chat. Good evening, good evening, bachcho. Yes. फटाफट मैसेज कर दो बच्चों कि आज हम लेने जा रहे हैं एनी फ्रैंक। यू कैन सी देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग माइंड मैप ऑन योर स्क्रीन और इसको डिस्कस करूंगी मैं। फर्स्ट आस्क योर फ्रेंड्स टू जॉइन क्विकली। गुड इवनिंग पल्लवी, उत्सव, शिवम, अलका, शिवम सिंह, थैंक यू शिवम फॉर शेयरिंग इट, कुशाग्र शुक्ला, ऐशानी, सिद्धार्थ कुमार, देव कुमार, उत्कर्ष पांडे, हर्ष पांडे, ओके एंड उत्कल शर्मा। ये कोई नया बच्चा मुझे लग रहा है। इफ यू आर अ न्यू सब्सक्राइबर प्लीज बने रहिए और पूरा लाइव सेशन एंड तक देखिएगा। माफिया हाईलाइट शेयर द स्ट्रीम। यस, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट एंड यस। ओके, थैंक यू उत्कर्ष और यस उत्कल और खुशी। उत्कल, अगर आप नए सब्सक्राइबर हो बेटा, अगर इफ यू आर जस्ट अ न्यू सब्सक्राइबर, आपको मैं बता दूं इससे पहले भी हम सारे पोएम्स और जो दो चैप्टर्स हैं वो कर चुके हैं। उसके सेशन जरूर देखिएगा। आई एम श्योर यू वुड बी बेनिफिटेड। एंड यस, टुडे वी आर गोइंग टू टेक फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और ये आपकी स्क्रीन पर एक माइंड मैप है और इसमें सबसे पहले मैं कुछ और डिस्कस करूँ। उससे पहले ये बता दूँ कि ये जो मेन कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में, yes, the main characters are Annie Frank, Mr. Key Singh, Annie's classmates हैं और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये main characters ये तीन हैं। उसके अलावा Annie Frank के parents हैं खुशी यादव। I'm your old, oh खुशी, I remember. Good evening बच्चा, and how are you? I hope everything is good at your end. And yes, thank you for joining live session. Probably you'll be reminded of your school days if you'll attend this. And yes, do share it with your some of the acquaintances who are in class 10th and 12th. 12th ka main session 7 to 8 karti hun aur 10th ka main 8:15 se 9:15 tak karti hun. To sabse pehle main theme, gesture aur values aur title par discuss karun, usse pehle mujhe lagta hai ye PPT aapko bahut help karegi. Agar isko hum dekh lein to bahut detailed iske bare mein hai hamare paas. Ye dekhiye. And I'm yes, ये है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और आप देख सकते हैं ऑथर तो ऑब्वियसली इन्हीं की स्टोरी है, एनी फ्रैंक की, उन्हीं की पिक्चर है। और ये ऑटोबायोग्राफी है और ये जो लेसन है पर्टिकुलर आपका, ये ऑटोबायोग्राफिकल नोट है। ये हमने उनके ऑटोबायोग्राफी से लिया। ये एक्सर्प्ट है, उसका थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा जो आपके सिलेबस में
जो है एक चैप्टर की तरह है, ठीक है। एंड यस, गुड इवनिंग दर्शनी। अब आ जाइए बच्चों, थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसका ओरिजिनल टाइटल एक्चुअली है हट एस्टर ह्यूज, और ये जो है चूंकि ज्यूइश थी तो इसलिए यस, आप ये देखिए ट्रांसलेटर ये है, कवर आर्टिस्ट। ये समय में ज्यादा तो नहीं जानना है, बट शी बिलोंग टू नीदरलैंड्स और उनकी लैंग्वेज डच थी, तो ये जो है वर्ड जो है दिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस इज ओरिजिन ऑफ डच वर्ड, ओके, दिस इज डच वर्ड। और सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर टू का डिस्क्रिप्शन है। पब्लिकेशन डेट, ये पब्लिश कब हुआ, 1947 में, और इंग्लिश में कब पब्लिश हुआ था, इट वॉज पब्लिश इन 1952। ये है एनी फ्रैंक, जिनका डिस्क्रिप्शन आप देखिए, शी वॉज बॉर्न इन 1929 एंड शी डाइड इन 1945। तो यू कैन सी सिर्फ 16 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई, एंड शी वॉज अ टीनेजर व्हेन शी डाइड। यस, शी इज अ शी वॉज अ ज्यूइश टीनेजर हु वेंट इन टू हाइडिंग ड्यूरिंग द होलोकास्ट। आपको याद होगा उन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस को बहुत ही अच्छे से एक डायरी में लिखती थी वो, हर दिन प्रोबेबली डेट वाइज उन्होंने मेंशन किया है, और बाद में इसी डायरी को एक बेस बनाकर उनकी ये उसको ऑटोबायोग्राफी को पब्लिश किया गया, एंड दिस इज देन इट केम आउट एज दिस द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एंड दिस इज वर्क, अ क्रिएटिव पीस वर्क which has been so reputed and renowned. ठीक है, तो उन्होंने अपना पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है कि what happened actually during that Holocaust, और किस तरीके से वर्ल्ड वॉर टू का वक्त था, और जर्मनी में जो है जो ज्यूइश थे उनकी क्या कंडीशन थी, और किस तरीके से वो छुपे हुए थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। तो जब ये हम मेन पॉइंट्स ले रहे हैं बच्चों, बीच बीच में अगर आप चाहें तो आप इंटरेक्ट कर सकते हो पहले थोड़ा मुझे टाइम देना क्योंकि मैं कुछ मेन पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर लूं, उसके बाद से अगर टाइम बचेगा तो हम एमसीक्यू और आरटीसी भी डिस्कस करेंगे, और अगर नहीं बचा तो हम कल लाइव सेशन करेंगे सुबह। तो कल बच्चों चूंकि छुट्टी है तो मैंने सोचा है कि मैं सुबह भी एक लाइव सेशन कर दूं। टाइम आप बताइए मुझे, व्हाट वुड बी कंफर्टेबल, और चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा ताकि कल के लाइव सेशन की प्लानिंग हम उस हिसाब से कर लें, ठीक है। ओनली यस, दर्शनी हैज देयर, नैन्सी राजपूत, एंड ये अखंड है, गुड इवनिंग अखंड, अर्पिता दुबे, सिद्धार्थ कुमार, बाकी सबको मैं बता चुकी हूँ। आप सिर्फ 18 बच्चे क्यों जुड़े हैं, थोड़ा डिले हो गया शायद इसलिए, कोई बात नहीं, आई एम श्योर ये बच्चे आएंगे, और कल मैक्सिमम बच्चों को और बता दीजिए। एंड यस ऐशानी, 12 o'clock आप बोल रही हैं तो मुझे भी 12 o'clock ही सूट कर रहा है, और कोशिश करिए बेटा 12 o'clock ही सारे बच्चे अग्री कर जाए। हाँ, कोई एक बच्चा मुझे 10 कह रहा है, एक 11 कह रहा है, तो इतनी वैरायटी रहेगी तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी बच्चों, सो प्लीज बेयर विद मी। अगर इफ इट कैन बी 12 o'clock आई थिंक आपके लिए भी ओके होगा, और अगर कोई आपकी प्री ऑक्यूपेशन हैं तो आप बाद में इसका रिकॉर्ड सेशन देख लीजिएगा, बिकॉज 12 o'clock इज कन्वीनियंट फॉर मी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। जो बच्चे 10 और 11 बजे कर रहे हैं वो अपना कन्वीनियंस देख रहे हैं, मुझे और भी काम करने होते हैं, तो मेरे हिसाब से 12 o'clock यानी ऑलमोस्ट यस आउट ऑफ 18 चिल्ड्रन इफ 10 ऑफ देम हैव अग्रीड आई विल डू इट एट 12 o'clock। हर बच्चा अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बता रहा होगा आई एम श्योर, बट मुझे मालूम है आप लोग कोप अप कर लेंगे। ये कौन है, सिद्धार्थ कुमार, जो 4 बजे पढ़ लेगा। हाँ मैं तो 4 बजे कर दूंगी बेटा, तू अटेंड कर पाएगा कि नहीं, सो यहाँ पे ये जोक नहीं चल रहा है, वी आर जस्ट ऑन अ सीरियस नोट। तो 4 o'clock इन द मॉर्निंग तुम जगते भी हो, मैं तो सेशन कर लूंगी, अटेंड कितने बच्चे करेंगे। सो अर्पिता यस, सो इट विल बी 12 o'clock चिल्ड्रन, ओके, सो यस, ठीक है बेटा। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर के साथ, एंड लेट मी सी, प्लीज ड्रॉप इन सम क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी क्वेरी, और अदरवाइज मुझे आप 10 to 15 मिनट्स दीजिए, मैं फटाफट एक्सप्लेन करके फिर हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे। सो पहले मैं कुछ मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको मैंने पॉइंट्स के थ्रू इस तरीके से रखा है। और एनी फ्रैंक जो है शी इज गिवन अ डायरी ऑन हर 13th बर्थडे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उनको उनके 13th बर्थडे पर जो है उनके 13th बर्थडे पर उन्हें उनके फादर ने
डायरी गिफ्ट की थी और शी इमिडिएटली फिल्स इट, और वो अपनी सारी डिटेल्स उस लाइफ में, उन्होंने अपने फ्रेंड्स का डिस्क्रिप्शन दिया है जिन लड़कों को वो बचपन से, इवन उसका भी डिस्क्रिप्शन है जिनके साथ जिन इन्फैचुएशन हुई थी उनको, अपनी क्लासेस जो उन्होंने स्पेंड की उनके साथ जो हुआ, अपने स्कूल के बारे में, तो ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में उन्होंने पूरी डायरी में लिखी और इसीलिए हमें इतना डिस्क्रिप्शन मिल पाया। सो शी हैज़ फिल्ड इन दी डिटेल्स ऑफ हर लाइफ। उसके बाद से एनी जो है वो शी इज फाइंडिंग दैट कम्फर्ट जोन इन यस। तो उन्होंने, मुझे ये समझ में नहीं आया उत्कर्ष आपने यहाँ क्या लिखा है मैम, इतना चीज बचा है वो समझ में नहीं आया। और हाँ ओपी सिद्धार्थ काफी इंटेलिजेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, यस। चलो हमें उसको भी अच्छे से देखना है, बट कोई बात नहीं सिद्धार्थ, आप 12 बजे कोशिश करिएगा जोड़ने की, 4 बजे पॉसिबल नहीं हो पाएगा बेटा, इट इज नॉट फिजिबल एंड कन्वीनियंट फॉर मी, ठीक है। ओके, सो एनी जो है शी फाइंड्स कम्फर्ट इन राइटिंग अ डायरी। तो उन्होंने हैबिट डेवलप की और उन्हें ऐसा लगता था कि वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, तो शी नेवर यूज टू गेट ओपन अप विद हर फ्रेंड्स, बहुत एक्सट्रोवर्ट नहीं थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उनके फ्रेंड्स नहीं थे, वो बहुत चीज़ों को शेयर नहीं कर पाती थी अपने से सीक्रेट्स को। तो ऐसा होता है ना, अगर आपका कोई फास्ट फ्रेंड हो, बॉजम फ्रेंड हो, तो आप उससे अपने सारे सीक्रेट भी शेयर करते हो, यू फील फ्री टू शेयर योर इमोशंस। एनी के साथ ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए उन्हें लगा कि उनकी डायरी ही उनका उनकी क्लोजेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो डायरी में सब कुछ रिकॉर्ड करने लगी, सब कुछ अपना अपना परसेप्शन, अपना एक्सपीरियंस, हर चीज़ शेयर करने लगी। और उन्हें ऐसा लगता था एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि शी इज नॉट, वो प्रिटी नहीं थी, लेकिन वो इतनी कॉन्फिडेंट थी अपनी पर्सनालिटी के बारे में और बाकी ट्रेट्स के बारे में कि ये जो खूबसूरती है वो पीछे रह जाएगी और बाकी की क्वालिटीज़ हैं जो वो आगे आ जाएंगी। तो अपने राइटिंग के थ्रू उन्होंने बहुत कोशिश की है और उनके अंदर जो है एक सीरियसनेस नज़र आता है, लेकिन बहुत ही प्लेफुल और कॉमिकल तरीके से उन्होंने उनकी ये पर्सनैलिटी हाईलाइट होती है। उसके बाद से एनी जो है उन्होंने ये डिज़ायर एक्सप्रेस, शुरू में ही आपने देखा होगा उनके इंट्रोडक्शन में है, कैन यू प्लीज़ टेल अस डिफरेंस बिटवीन जर्नल, डायरी, लॉग, मेमोर। बिल्कुल मैं बताऊंगी बेटा, कैन यू प्लीज़ वेट टिल दी एंड, ये मैं ख़त्म कर लूँ उसके बाद मैं चारों के बीच का बिल्कुल कैटेगरिक डिफरेंस आपको बताऊंगी कि आप उसके बाद से कभी कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल बताऊंगी मैं। नैन्सी इन अ वेरी गुड क्वेश्चन विच सेज दैट और विच प्रूव दैट यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्योंकि नॉर्मली बच्चे एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द सेशन या 10th क्लास कंप्लीट या 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद भी ये क्वेश्चंस नहीं क्वेरी करते हैं कि डायरी जर्नल लॉग और मेमोर में डिफरेंस क्या होता है, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी, ठीक है बच्चा। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं कि उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में ये बताया है फॉर वन पर्सन दैट शी कुड कॉल हर ट्रूएस्ट फ्रेंड, और वो है उनकी डायरी, और उन्हें ऐसा लगता है कि शी कुड कन्फाइंड हर डीपेस्ट थॉट्स एंड फीलिंग, उसमें वो सारी फीलिंग्स और सारे थॉट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हैं। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि उनके पास उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उतने ही अच्छे एडमायरर्स भी हैं, और उनकी ये डेफिनेशन है नो ट्रू डियर फ्रेंड विद होम शी कुड शेयर, लेकिन कोई भी, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे एडमायरर्स हैं, लेकिन कोई भी एक सच्चा दोस्त नहीं है जिससे वो सब कुछ शेयर कर सकें, अपने इनर मोस्ट थॉट्स और सीक्रेट्स शेयर कर सकें। और उनको याद है कि उनकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जैक वैन करके, बट वो भी पार्शियली सक्सेसफुल हुई, यानी उनके साथ भी वो बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई। अब आते हैं कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन पर, ये कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान देना। एंड थैंक यू सो मच अशानी, यू आर सो क्विक इन आंसरिंग, आपने मेरी आधी प्रॉब्लम दूर कर दी है। नैन्सी राजपूत को जर्नल का मतलब बता दिया, बट वेरी गुड बच्चे। और मैं ये चारों का डिफरेंस बिल्कुल बताऊंगी बेटा, लेकिन अभी मैं पूरा डिस्क्रिप्शन बता लूँ। एंड
रिडिक्यूलस का मतलब होता है बेटा कि जिसको जिसकी हम जैसे होता है ना कि हम जिस चीज से परेशान हो जाएं और उसको उसकी जो है विच इज पैथेटिक विच इज फिट फॉर रिडिक्यूल, यानी कि जिसको हम जिसकी निंदा कर सकें, ठीक है ना। तो यस सो द ऑथर ऑफ द डायरी एनी वॉज बॉर्न ऑन June 12, 1929। ये पैदा कहाँ हुई बच्चों? ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुई। और यस और वहां से शी वॉज जस्ट 4 years ओल्ड वेन शी वेन अर फादर मूव टू हॉलैंड। और वो सिर्फ 4 साल की थी जब वो हॉलैंड से हॉलैंड आ गए, और वहाँ उनको लगा कि ये अब अच्छी जगह है, यहाँ मैं अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहूंगा। बहुत इंटेलिजेंट थी एनी फ्रैंक, परसेप्टिव भी थी, और वो राइटर बनना चाहती थी शुरू से, ठीक है। तो एनी जो है शी ग्रोज फ्रॉम एन इनोसेंट, यहाँ पे टेम्पचुअस होगा बच्चों, ये एस थोड़ा सा कर लेना, इग्नोर दिस इज। और प्रिकॉशियस थी, बहुत ही सीक्रेटिव थी, मैंने कहा ना इंट्रोवर्ट थी, टीनेज गर्ल थी, एम्पेथेटिक थी, शी हैड दैट लॉट ऑफ इमोशंस, सेंसिटिव थी। और सिर्फ 15 साल की उम्र में अगर कोई इतना एम्पेथेटिक और सेंसिटिव हो सकता है, और सच ए गुड थिंकर, सोचती इतना अच्छा थी, थॉट प्रोसेस इतना अच्छा था। लेकिन दुख की बात ये है जो है दुख की बात ये है कि वो टाइफस से उनकी डेथ हो गई, और बर्जिन बेल्सन कैंप में फरवरी में। प्रोबेबली हम गेस कर सकते हैं कि उनकी मौत कहीं लेट फरवरी या 1945 के अर्ली मार्च में हुई थी, ठीक है। दूसरे जो ये डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो दूसरा आपकी स्क्रीन पर, वो है मार्गरेट फ्रैंक की, जो कि एनी की बड़ी बहन थी। और मार्गरेट जो है वो पैदा हुई थी फ्रैंकफर्ट में 1926 में। इन्होंने एनी की डायरी में एक चीज ऑब्जर्व की है, और क्रिटिक्स ये कहते भी हैं कि वो थोड़ा सा कम उनका अपनी बहन के प्रति उन्होंने बहुत कम लिखा है, क्योंकि बहुत ज्यादा उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया अपनी सिस्टर के कैरेक्टर को। शायद उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन भी नहीं, अपने सिबलिंग के साथ वो शेयर करती थी। तो लेकिन वो ये मानती थी कि मार्गरेट बहुत ही प्रिटी है, स्मार्ट है, इमोशनल है, और सबकी फेवरेट है। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक बहुत इंटीमेट या क्लोज बॉन्ड नहीं था। और मार्गरेट डायरी में तब अपेयर होती है, तब डिस्क्रिप्शन है उनका, सिर्फ जहां जहां पर एनी फ्रैंक जेलिस होती थी, गुस्सा होती थी, तो मार्गरेट का जिक्र वहां पर है, ठीक है। और एनी इनकी भी मौत, मार्गरेट फ्रैंक की भी जो डेथ थी वो कंसंट्रेशन कैंप में टाइफस की वजह से हुई। और बहुत दुख की बात है कि कुछ दिन पहले ही एनी से कुछ दिन पहले इनकी भी डेथ हो गई थी। सो फ्रैंक पेरेंट्स दे लॉस्ट, उनके दोनों बच्चों की डेथ कुछ दिनों के अंतराल पर हुई थी, विच वॉज वेरी पेनफुल फॉर पेरेंट। ये ऑटो फ्रैंक है, आप देख सकते हैं, सच हैंडसम पर्सन एनी के फादर हैं ये। और ऑटो एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही जेनरस किस्म के इंसान थे, और उन्हें ऐसा लगता था कि एनी का सबसे ज्यादा, इनफैक्ट कहिए कि क्लोजेस्ट बॉन्ड जो था या इंटीमेट बॉन्ड जो था, वो अपने फादर के साथ ही था। और ही वॉज बॉर्न ऑन यस, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना यहाँ जरूरी है। और वो ये कि वो May 12th को पैदा हुए थे 1889 में। इनके बारे में बहुत ना बताकर, क्योंकि हमारे लिए मेन टारगेट हमारी एनी फ्रैंक है, लेकिन वो एक बहुत ही वेल्दी फ्रैंकफर्ट फैमिली में पैदा हुए थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेकिन इनका इनकी जो फैमिली था, उनका जो फैमिली बिजनेस था ना, इंटरनेशनल बैंकिंग का बिजनेस था। और लेकिन ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, जब जर्मनी में इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, जब एक आर्थिक स्थिति से जो एक क्राइसिस आया, एक इकोनॉमिक क्रंच आया, उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर वन के बाद, उसकी वजह से उनका जो फैमिली बिजनेस था, जो इंटरनेशनल बैंकिंग का बिजनेस था, वो एकदम कोलैप्स कर गया। तो ऑल ऑफ अ सडन ये जो फ्रैंकफर्ट की एक बहुत जानी मानी रेप्यूटेड वेल्दी फैमिली थी, ये फाइनेंशियल क्रंच में आ गए, पैसों की दिक्कत होने लगी। उसके बाद से ज़्यादा स्थितियाँ तब खराब हो गई जब नाजीज जो है पार में आए जर्मनी में। और यस थैंक यू अशानी, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बच्चे ने, यस नैन्सी ने पूछा है व्हाट टाइप ऑफ डिजीज इज,
बेटा प्रॉम्प्टेड का मीनिंग मोटिवेटेड होता है. देखो बेटा प्रॉम्प्टेड अलग अलग जगह पे अलग अलग सेंस में होता है. या प्रॉम्प्टेड का मोटिवेशन भी मतलब होता है, प्रॉम्प्ट का मतलब क्विक भी होता है. सो आप जब सिचुएशन या कंटेक्स्ट पढ़ते हो उसकी मीनिंग के हिसाब से यहाँ पर उसका मतलब है मोटिवेटेड. ठीक है, ओके ओके. तो टाइफस, यस वेरी ट्रू, वी नो इट एज टाइफस फीवर ऐशानी. एंड यस, एक किस्म का ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है. और प्रोबेबली ये दोनों बच्चों की डेथ इसलिए भी हुई क्योंकि जब वो कंसंट्रेशन कैंप में थे बहुत दिनों तक, जब उस एनेक्स में वो छुपे हुए थे, तो उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन जो भी कह लीजिए आप, उसकी वजह से उनको कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए एंड बोथ ऑफ देम दे डाइड, है ना. तो अब आते हैं, हम ऑटो फ्रैंक के बारे में बात कर रहे थे. आफ्टर द नाजीज एंड सो गुड टू सी यू चिल्ड्रन, स्पेशली ऐशानी, नैन्सी, उत्कर्ष, थैंक यू सो मच बच्चे. और आप लोग इस तरीके से इंटरेक्ट करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. बीच बीच में मैं चैट बॉक्स देख ले रही हूँ क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ. और जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे इंटरवीन करना चाहिए तो मैं ज़रूर इंटरवीन करूँगी. और यस, तो हम आगे बढ़ते हैं. तो नाजीज जब पार में आए ना जर्मनी में, तो ऑटो अपनी पूरी फैमिली के साथ एम्स्टर्डम आ गए. 1933 की घटना है ये. और उनको लगा कि मुझे अपने परिवार को पर्सिक्यूशन से बचाना पड़ेगा, मेरा परिवार खतरे में है. यस, हियर कम्स खुशी चौधरी हु हैज यस गिवन लॉट ऑफ डिस्क्रिप्शन. बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन आपने और क्लियर कर दिया. ऐशानी ने जितना बताया था उससे और ज़्यादा एडअप कर दिया. थैंक यू ऐशानी एंड खुशी. खुशी ने लिखा है कि उसमें ये एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है विच कॉज पर्पल रैश. वेरी ट्रू, पर्पलिश रैश हो जाता है और जिसमें सिम्टम्स क्या है, हेडेक होता है, फीवर आ जाता है. वेरी गुड बच्चा. तो आते हैं हम नाजीज पर, जो जर्मनी में जब जैसी देखिए जैसी वो आए पार में, तो ऑटो जो है वो एम्स्टर्डम आ गए परिवार के लिए. परिवार को के साथ यहाँ मूव हो गए. उन्हें लगा कि मुझे अपने परिवार को बचाना है. और यहाँ पर उन्होंने कौन सा बिजनेस शुरू किया, उन्होंने केमिकल प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किया, प्रोविजंस, और मतलब बहुत कष्ट का समय भी काटा उनके परिवार ने, इन्होंने. It was very difficult for him to meet two square meals. दो वक्त की रोटी का भी कभी कभी इतनी प्रॉब्लम आ जाती थी. और फैमिली को फोर्सफुली छुपना पड़ा 1942 में. किसमें? एनेक्स में एक अटैचमेंट था, ये कह लीजिए एक अंडरग्राउंड स्टोर था, उसमें इनको बहुत दिनों तक छुपे रहना पड़ा. और इनफैक्ट ये पूरा इनके साथ इनके जो नेबर्स थे वो भी और कई लोग थे, तो बहुत ही अच्छा ये रहा. उसके बाद आते हैं बच्चों, ये देखिए आप, ये एडिथ फ्रैंक है यानी कि मदर. और एडिथ होलैंडर एक्चुअली आशेन जर्मनी की रहने वाली थी और उन्होंने ऑटो से 1925 में शादी की थी. ठीक है, तो एनी जो थी ये थोड़ा सा अपने फादर के मुकाबले अपनी मदर से कम क्लोज थी, है ना. वो फादर से बहुत इंटीमेट बॉन्ड शेयर करती थी लेकिन माँ से थोड़ी सी. उनको ये ऐसा लगता था कि ये मार्गरेट को ज़्यादा पसंद करती हैं, उसको ज़्यादा फेवर करती हैं. तो दोनों के बीच में ये ट्यूमल्टस रिलेशनशिप, ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हो बच्चों. ये ट्यूमल्टस का मतलब होता है कि जहाँ पर डिस्टर्बेंस हो, जहाँ पर थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो, उसको कहते हैं ट्यूमल्टस. ये वर्ड आप अपनी वोकैबुलरी में यूज़ भी कर सकते हो. उसके बाद से एनी को हमेशा ये लगता था कि उसकी माँ कुछ ज़्यादा ही जजमेंटल है, क्रिटिकल है, स्पेशली एनी को लेकर के. ठीक है, और एडिथ जो है, दुख की बात यह है, उस कंसंट्रेशन कैंप में 1945 में उनकी डेथ हो गई भूखमरी. यानी सोचिए बच्चों, तो ये जो ट्यूमल्टस रिलेशनशिप था इन दोनों मदर और डॉटर का, आई एम सॉरी चिल्ड्रन, देयर इज डॉग बार्किंग और बैकग्राउंड म्यूजिक, आई होप डिस्टर्बेंस नहीं है, देयर इज लिटिल नॉइजी कमोशन, आई होप यू विल बेयर विद मी. तो एडिथ की जो डेथ थी ना,
वो भी किसकी वजह से हुई, वो भी शी डाइड बिकॉज ऑफ हंगर। तो बड़े तकलीफ की बात है कि इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन कैंप में ऑशविच में जनवरी 1945 में इनकी डेथ हुई, और वो जो है जस्ट वेट। तो ये जो उनकी डेथ हुई, ये हुई 1945 में। अब आते हैं मिस्टर वान डान पे, जो कि ये एनेक्स में फ्रैंक्स के साथ, यानी जो पूरा परिवार था ना एनी फ्रैंक का, यानी उनकी मदर फादर और सारे भाई बहन, वो जो है ऑटो फ्रैंक और एडिथ फ्रैंक और मार्गेट और एनी के साथ, ये भी एनेक्स में छुपे हुए थे। और कैसे जानते थे ऑटो फ्रैंक को, ये उनके साथ एक हर्बल स्पेशलिस्ट की तरह एम्स्टरडम में काम कर चुके थे। ठीक है बच्चों, तो ये उनके डिस्क्रिप्शन में थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मिस्टर वान डान का डिस्क्रिप्शन कभी कभी कैरेक्टर स्केच आ जाता है, पेन पोर्ट्रेट आ जाता है, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे। लेकिन इनका एक्चुअल नाम ज़रूर याद रखिएगा। आई एम सॉरी, ये वी स्मॉल रह गया है, इसको आप कैपिटल कर लीजिएगा प्लीज़। प्रॉपर नाउन है इसलिए कैपिटल से लिखिएगा। इनका एक्चुअल नेम था हरमन वान पेल्स, ठीक है, और एनी उनको मिस्टर वान डान बोलती थी। पूरी डायरी में उन्होंने इसी नाम से बोला है। एनी के अकॉर्डिंग वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, ओपिनिएटेड थे, प्रैग्मेटिक थे, और कभी कभी बहुत ही इगोटिस्टिकल, इगोइस्ट तो थे ही है, ठीक है ना। टेम्परामेंटल जरूर थे, ये जरूर मैं बताऊंगी, टेम्परामेंटल थे और बहुत ही खुल करके बोलते थे। यूज टू स्पीक हिज माइंड ओपनली, का मतलब है कि अपने विचारों को बहुत खुल कर रखते थे, और उन्हें बिल्कुल ये नहीं रहता था कि उनकी वाइफ के साथ उनका कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, जिसके सामने ये बात बोल रहे हैं उसकी वजह से फ्रिक्शन हो जाएगा। इन सब चीज़ों को वो इग्नोर करते थे और बिल्कुल खुलकर अपनी बातें रखते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, और पत्नी के साथ तो अक्सर उनकी लड़ाई होती रहती थी। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। वान डान का बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए ये पूरी एक स्लाइड इसलिए ली है मैंने, क्योंकि अगर आप ये पूरा ऐसे का ऐसे अच्छे से लिखोगे तो यू आर गोइंग टू फेच वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। और ये है मिसेज वान डान, जो कि अभी अभी हम बात कर रहे थे, वान डान की वाइफ है। एक्चुअल नेम इनका, यस एक्चुअल नेम इनका ऑगस्ट वैन पेल्स है, और ये एनी इनको एनी ने पूरे अपनी डायरी में इनको पेट्रोनेला वान डान का है, मतलब ये अलग ही नाम रखा था उनका उन्होंने। तो इनिशियली वो बताती हैं, शुरू में जब उन्होंने बताया है कि मिसेस डान जो थी वो फ्रेंडली थी, टीजिंग वुमेन, लेकिन बाद में उनको लगता है कि ये बहुत ही बड़ी इंस्टिगेटर हैं, चीज़ों को भड़काती हैं, लोगों को भड़काती हैं, फेटलिस्ट हैं, और यस एंड कैन बी सॉरी आई कैन आप बेटा अपने सारे डाउट्स अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं बिल्कुल कोई डाउट है क्या बच्चे? ओके बेटा, दोस्तों हैव जॉइंड अस लेट, बेटा रिकॉर्डेड सेशन जरूर देख लेना। थैंक यू ऐशानी, किसी बच्चे ने सवाल पूछा था, दिस इज चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, बिल्कुल सही है बेटा। तो हम आते हैं मिसेस डान पर, जो कि पेट्रोनेला वान डान में, मैंने कहा ना कि मिसेस डान को पूरी डायरी में एनी फ्रैंक ने पेट्रोनेला वान डान करके लिखा है, और वो मानती हैं कि मिसेस डान पहले तो लगा कि काफ़ी फ्रेंडली है, थोड़ी सी चिढ़ाती विड़ाती रहती थी लेकिन वो ठीक था तब तक, उसके बाद से पता चला वो एक इंस्टिगेटर भी है। ये सारी उनकी परतें या उनकी ट्रेड जो है उनके साथ रह करके एनी ने आइडेंटिफाई किया, एनालाइज किया कि वो फैटलिस्ट भी हैं, इगोटिस्टिकल भी हैं, फ्लर्टेशियस भी हैं, स्टिंजी हैं, बहुत ही इरिटेटिंग है, डिसएग्रीएबल, हर चीज़ में लड़ना है, हर चीज़ में अपनी बात रखनी है, और शायद यही वजह थी कि बार बार वो मिस्टर डान से उनकी लड़ाई भी हो जाती थी, और हमेशा फैमिली सिचुएशन के बारे में बातें करना। क्रिटिसिज्म ये कि एनी जो है एडमायर नहीं करती है, रिस्पेक्ट नहीं करती है, और मिसेस वान डान भी सैडली शी ऑल्सो कुड नॉट बी सेव्ड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ डेथ, और शी वो भी सरवाइव नहीं कर पाई इस वॉर के बाद, लेकिन एग्जैक्ट डेट उनकी डेथ की हमें नहीं पता है। ठीक है, पीटर वान डान ये हैं मिस्टर और मिसेस डान के बेटे, टीनेजर, और उनका रियल नेम है पीटर वान
पेल्स, लेकिन एनी जो है वो पीटर को पहले एक ऑब्नॉक्शियस, ऑब्नॉक्शियस क्या होता है बेटा, हाँ एक लेजी और एक हाइपर सेंसिटिव बच्चे की तरह देखती हैं। एंड आई एम सो हैप्पी चिल्ड्रन कि आपने आज राज सिंह के लिए रिएक्ट नहीं किया, एंड दिस इज द रीजन। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यू केप्ट माई वर्ड, और ऐसे बच्चे को मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आप लोग ध्यान भी दो, और आपने ध्यान नहीं दिया। आई एम सो थैंकफुल टू यू ऑल, एंड आप सब इतने प्यारे बच्चे हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप इस किस्म की फालतू चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, मुझे कोई कुछ भी कहे, ठीक है ना। हाँ तो मैं कहाँ पर थी बच्चों, चलो हम कंटिन्यू करेंगे। और मैं यहाँ पर थी। यस, ये टीनेजर सन है, ही वॉज ऑल्सो अ टीनेजर, रियल नेम पीटर है। ऑब्नॉक्शियस की मैं बात कर रही थी, तो ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है बेटा जो कि जिसकी स्मेल बहुत ही अनप्लेजेंट हो, और ऑब्नॉक्शियस ओडर्स, ओडर्स से रिलेटेड है ये, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट ओडर। जैसे कई लोगों से बदबू आती है ना, तो वो मानती थी। तो आप सोचिए कितना इसने इंटीग्रेट, इसके पास डिटेल्स हैं एनी के पास, और वो कितना लोगों को ऑब्जर्व करती है। आप सोचिए 14-15 साल की उम्र में हम इस किस्म के वर्ड्स का इस्तेमाल करना, तो आप सोच सकते हैं थॉट प्रोसेस कितना अच्छा है, लोगों को एनालाइज करने का, परसेप्शन, एक्सपीरियंस, मेच्योरिटी कितनी ज़्यादा है। लेजी था, हाइपर सेंसिटिव था, लेकिन बाद में काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे ये दोनों। जबकि पीटर बहुत ही क्वाइट और टिमिड और ऑनेस्ट है, और स्वीट भी है एनी के साथ, बट उसका बहुत ज्यादा लगाव, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है, बट दे शेयर अ गुड रिलेशनशिप, ठीक है। इधर एल्बर्ट डेसिल कौन है, ये डेंटिस्ट है और एक्वेंटेंस है फ्रैंक्स के, यानी फ्रैंक्स के जानकार हैं, इस फैमिली को जानते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये भी इस एनेक्स में, एक अटैचमेंट में छुपे हुए थे फ्रैंक फैमिली के साथ। इनका रियल नेम फ्रिट्स फेफर है, और ये एनी उनको मिस्टर डासिल कहती थी, पूरी डायरी में मिस्टर डासिल के नाम से आप उनको जानेंगे। और एनी ने ये उनको ये लगा कि मिस्टर डासिल जो है बहुत ही डिफिकल्ट है उनसे डील करना, क्योंकि वो उनके साथ रूम शेयर करते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि जो उनकी हाइजीनिक हैबिट्स है, जो हाइजीन हैबिट्स है, पर्सनल हाइजीन हैबिट्स, वो अच्छी नहीं है। तो उसको कई बार शी हैज़ टू फेस दैट ब्रंट, और उनके लेक्चर्स सुनना लंबे लंबे, उनकी जो एक कंट्रोलिंग टेंडेंसी थी कि ये मत करो वो करो, वो उसको झेलती थी। और मिस्टर रसल की जो वाइफ है वो एक क्रिश्चियन है, सो शी डज नॉट गो इनटू हाइडिंग, क्योंकि उससे सेपरेट हो गई थी। और मिस्टर डसल की भी डेथ 1944 दिसंबर 20 में उसी कंसंट्रेशन कैंप में, लेकिन न्यू एन गेम में हुई थी डेथ इनकी। तो आप देख सकते हैं इन सारे कैरेक्टर्स में से ऑलमोस्ट सबकी डेथ होती चली जा रही है। अब आते हैं मिस्टर कुगलर पर, जो कि ये वो हैं जिन्होंने फ्रैंक्स की मदद की। विक्टर कुगलर इनका पूरा नाम था, ही वॉज अरेस्टेड क्लीमन के साथ, इनका अरेस्ट, ये ही वॉज अरेस्टेड इन 1944, बट वो 1945 में भाग गए थे। उसके बाद कैनेडा इमिग्रेट हो गए 1955 में, टोरंटो में 1981 में इनकी डेथ हुई। सो इनफैक्ट ही वॉज द वन हु डाइड, सबसे लेट जिनकी डेथ हुई है इन सब लोगों में। और मिस्टर कगलर जो है कहीं कहीं पर मिस्टर क्रॉलर के नाम से भी एनी फ्रैंक की डायरी में मिलेंगे आपको। मिस्टर क्लीमेन के बारे में बताऊँ, अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, अनदर मैन हु हेल्प्स दी फ्रैंक्स हाइड, ये भी वही हैं जिन्होंने फ्रैंक्स को मदद की उनकी हाइडिंग के दौरान। और इतना ही नहीं, एक मिनट, मेरा चैट मुझे नजर नहीं आ रहा है, जस्ट वेट। यस, कोई बात नहीं उत्कर्ष, मैं भी सब बताऊंगी बच्चे। ओके, मैं कोई नहीं, आप टाइपिंग के एरर के लिए सॉरी मत बोलिए, पहले ये ध्यान दे लो बेटा, जैक बॉक्स में जितने डाउट्स है लास्ट के 5 मिनट्स में फटाफट दूर कर लूंगी, बिकॉज यस। और ये मिस्टर क्लीमेन की हम बात करते हैं, मिस्टर क्लीमेन जो है इन्होंने भी मदद की। इनका पूरा नाम जोहानस क्लीमेन था, और इनको 1944 में अरेस्ट कर लिया गया,
बट ही रिलीज ही वॉज रिलीज बिकॉज ऑफ हिज पुअर हेल्थ, और वो एम्स्टरडम में अपनी मौत तक 1959 तक एम्स्टरडम में रहे. इनको कभी कभी डायरी में एनी ने मिस्टर कूफ्यूज के नाम से ये ऐसे बहुत ही मैंने कहा ना कि बहुत ही कॉमिकल थी ये, और लिखते वक्त ये इस किस्म के उल्टे पुलटे नाम रख देती थी. ठीक है, अब ये है बेप फॉस्क्यूजी, ये एक वर्कर है जो ऑटो की, आई एम सॉरी ये कुछ मिस्टेक है बच्चों, ऑटो होना चाहिए. ठीक है, प्लीज स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा. इट इज ओ ओ टी टी ओ. ठीक है, यानी कि एनी के फादर की बात हम कर रहे हैं. ऑटो फ्रैंक के ऑफिस में ये काम करती थी. एलिजाबेथ जो थी ये इस फैमिली को काफी हेल्प करती हैं. लाइजनिंग, लाइजनिंग का मतलब होता है कि बाहर वर्ल्ड से यानी कुछ जरूरत है तो उनको ला कर देती थी, ये सब चीजें बहुत इन्होंने हेल्प की. लेकिन शी ऑल्सो डाइड और 1983 तक, ये काफी लेट इनकी डेथ हुई, और शी वॉज शी रिमेन्ड इन एम्स्टरडम अंटिल हर डेथ. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, ये हैं मिस्टर वॉस्क्यूजी और ये बैप्स के फादर हैं. बैप्स कौन है ये देखिए अभी आगे आएगा, मैं बता दूँ आपको. पहले मियाप जीस के बारे में बात करती हैं, ये सेक्रेटरी हैं. यहाँ पर भी मिस्टेक है बच्चों, ऑटो ऑटो के ऑफिस में काम करती हैं सेक्रेटरी के पोस्ट पर. ये भी फ्रैंक को काफ़ी हेल्प करती हैं, ऑटो फ्रैंक को. और जब फ्रैंक अरेस्ट हो जाते हैं, यहाँ पर एफ वर्ड छूट गया है बच्चों, ठीक कर लेना, आफ्टर एफ ओ टी है ना, आफ्टर तो फ्रैंक जो है वो अरेस्ट जब हो जाते हैं तो वो क्या करती हैं, डेस्क ड्रॉअर में जो डायरी होती है उसको वहाँ पर उन्होंने रख दिया है, और बाद में वो अनरेड वहीं पड़ी रहती डायरी. जब ऑटो जो है रिटर्न होकर आते हैं 1945 में, तब वो डायरी उनको मिल जाती है. ठीक है, और शी डाइड इन 2010. In fact, she lived longest. मियाप की डेथ जो है वो 2010 में हुई है और 100 साल की होकर वो मरी है. ये जैन गीज हैं जो मियाप के हस्बैंड हैं, और ये 1993 में इनकी डेथ हुई. थोड़ा सा जिक्र इसलिए बताना ज़रूरी था. हेनाली जो है वो एनी की बहुत अच्छी स्कूल फ्रेंड थी, और नाजीज ने इनको अरेस्ट कर लिया था. ठीक है, पीटर शिफ्ट कौन है, ये एनी के लाइफ का के सिक्स ग्रेड में यानी सिक्स क्लास में उनके साथ पढ़ते थे. पीटर शिफ्ट जो है एक साल बड़े थे एनी से, और एनी जब भी एनेक्स में यानी जब अपने हाइडिंग में थी, वहाँ छुपी हुई थी, तो उसके बारे में सपने लेती थी, और कई बार उन्होंने अपनी डायरी में उसका जिक्र पीटर वीस के नाम से भी किया हुआ है. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हेलो सिल्वरबर्ग पे, और ये कौन थे, हेलो को वो हैरी गोल्डबर्ग बोलती थी अपनी डायरी में. और ये वो थे जब एनी छोटी थी तो इनके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप वो शेयर करती थी, और बहुत ही इनोसेंट रोमांटिक रिलेशनशिप था ये हाइडिंग में जाने से पहले. और हेलो को वो प्यार से हैरी गोल्डबर्ग उन्होंने अपनी डायरी में कहा है. तो आई होप बच्चों ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा आपको. और यस, इससे पहले कि मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ समरी शेयर करूं, क्योंकि समरी में एक्सप्लेन करूंगी, काफ़ी लंबा है बट बहुत इंटरेस्टिंग है. आई होप आप सबको ये अच्छा लग रहा होगा. और आज शायद हम क्वेश्चन आंसर ना ले पाएं, लेकिन आप ज़रूर फील फ्री, मैं आपके चैट मैं अभी आपके कमेंट बॉक्स देख रही हूँ, और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पुट अप कर लो, क्योंकि हम दो मिनट में मैं सिर्फ आपके चैट्स पढ़ूंगी, डाउट्स क्लियर करूंगी, और उसके बाद हम समरी पर आ जाएंगे. ठीक है, और एक फटाफट थम्स अप दे दो, और जो नए सब्सक्राइबर हैं सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, और जो नए सब्सक्राइबर नहीं हैं वो पुराने हैं वो लाइक कर लें, और इसके आगे भी शेयर करते रहें अपने दोस्तों से. आई एम सो हैप्पी, एक क्लास टेंथ जो है बहुत सीरियसली मेरे लाइव सेशंस को ले रहा है. द ओनली रिग्रेट इज सिर्फ कम बच्चे जुड़ रहे हैं, एटलीस्ट ये थोड़े और बच्चे जुड़ जाते हैं. अपने सारे फ्रेंड्स से आप शेयर कर लीजिए. हाँ, एक बच्चे ने मुझसे पूछा है कि मैम फैटलिस्ट क्या होता है. बेटा फैटलिस्ट वो होता है जो कि जो अपने अपने वेज को चेंज नहीं करना चाहता है, या ये कह लीजिए जो है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे तो नहीं मालूम हिंदी में क्या कहते हैं, बट someone who believes that people can't change the way, लोग मतलब वो व्यक्ति जो ये सोचता है कि लोग बदलने के तैयार नहीं होते, इवेंट्स होंगे होते रहेंगे और वो लोग जो है नहीं बदलना चाहते हैं. ठीक है, तो अच्छा मैं और कुछ देख लूँ आपका, यस चैट्स आपके देख लूँ हिंदी में.
इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब ऐसे लोगों को ये लगता है ना कि वो एकदम पावरलेस है और अपनी डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते, तो फेटालिज्म बोलते हैं, वो फेटालिज्म बिलीव करते हैं, मतलब वो अपनी डेस्टिनी नहीं बदल सकते, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसको वो बदल नहीं सकते, दे आर पावरलेस। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू हर्ष पांडे फॉर सो मेनी थम्स अप। एंड लक्ष्य सिंह, ये कोई नया बच्चा है मुझे ऐसा लग रहा है। एंड हेलो, अगर आप एक रेंडम व्यूअर हैं तो सेशन के एंड तक जरूर रुकिएगा। थैंक यू यशस्वी, अर्पिता, आलोक, खुशी चौधरी, अलका पासवान, उत्कर्ष पांडे, अखंड, उत्सव, अंजना, आई एम सॉरी, अभ्योदय दुबे, एंड देन श्रेया सिंह, स्नेहा सिंह, सत्यम कुमार सिंह। ओके, सो थैंक यू सो मच बच्चों, लक्ष्य थैंक यू सो मच बेटा कि अगर आप इंजॉय कर रहे हो तो, एंड गॉड ब्लेस यू, और आप ऐसे करते रहोगे सेशन एंजॉय। आज मैंने बहुत आराम से इसलिए भी लिया है, देर इज नो हरी, क्योंकि बेटा देखो चैप्टर बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी खत्म नहीं करना चाहती। मैं दो दिन में ले लूंगी, कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपका इंटरेस्ट बरकरार रहना चाहिए, इसलिए मैंने कोशिश की एक ऐसा पीपीटी मिले जिसमें आप सब कुछ देखो। अब आपको मुझे लगता नहीं कैरेक्टर को समझने में प्रॉब्लम होगी, कैरेक्टर डिटेल्स हमने बहुत अच्छा किया। थैंक यू दर्शनी, नैन्सी, ऐशानी, एंड थैंक यू ओपी, थैंक यू, आई लव यू ऑल चिल्ड्रन, बिकॉज आपके ये छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे इतना इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एंड आई एम यस इनकरेज टू डू इवन मोर। मुझे ऐसा लगता है मैं और क्या ऐड कर दूँ कि मेरे बच्चों को पसंद आ जाए, और फील फ्री टू ड्रॉप मी सजेशंस। थैंक यू पल्लवी, ये पल्लवी बच्चा मुझे लगता है मेरा नया बच्चा है, कोई नया सब्सक्राइबर है, और थैंक यू सो मच। ठीक है, तो समरी पर आते हैं। समरी जो बुक हमारी शुरू हुई है यानी डायरी, जब वो है एनी का 13, मतलब जब स्टोरी स्टार्ट हो रही है उसमें हमें दिखाया गया है कि एनी के जो 13 बर्थडे, यानी कि ये जरूर याद रखना बच्चों, उनका 13 बर्थडे कब था, June 12, 1942। उन्हें एक डायरी प्रेजेंट की उनके पेरेंट्स ने और बाकी प्रेजेंट्स के साथ, तो उन्हें सबसे अच्छी डायरी लगी और वो बहुत प्यार से डायरी को क्या नाम दिया था उन्हें, किटी। और उनको ऐसा लगता था कि पहले तो उन्हें लगता था कि इसमें मैं लेटर्स लिखूंगी और ये करूंगी, बाद में उन्हें लगा कि ये सबसे अच्छा, हर लेटर को वो डियर डायरी, मतलब डियर किटी लिखती थी वो, हर दिन का जो जो भी उनके साथ घटना घटती थी, जो भी इवेंट्स थे, वो रात को बैठ के लिखा करती थी। तो एक तरीके से किटी जो है एक तरीके से फैब्रिकेटेड फ्रेंड है, रियल फ्रेंड तो नहीं, डायरी है ऑब्वियसली, जिससे वो शेयर तो नहीं कर पाती कुछ, लेकिन उन्हें ऐसा लगता था मैं इस डायरी में सारे इमोशंस अपने लिखूंगी। तो शी यूज्ड टू फील दैट, कोई बात नहीं बेटा, आप कहीं से भी हो कोई बात नहीं, और देर इज नो वे यू शुड से सॉरी, आई एम सो हैप्पी कि बट इज दिस मैम, इज दिस रॉन्ग टू स्टार्ट सेंटेंस विद बट आफ्टर फुल स्टॉप। हाँ बिल्कुल बेटा, गलत है, बट से आप स्टेटमेंट नहीं शुरू करते हैं, बट एक कंजंक्शन होता है, ठीक है, और वो स्टेटमेंट के बीच में होता है, इसलिए इससे कोई स्टेटमेंट शुरू नहीं होता है, ठीक है। ओके, सो ये फैब्रिकेटेड फ्रेंड थी, तो अपनी यानी अपनी डायरी किटी के साथ। एनी की फैमिली जब इमिग्रेट हुई हॉलैंड, तो जर्मनी से जब हॉलैंड आई, तो यहाँ से जर्मनी से जब ये हॉलैंड आए, तो दो कारण थे। पहला, मिस्टर फ्रैंक को यहाँ जॉब मिल गई, क्योंकि मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है, जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज शुरू से वीडियो देख लेंगे। और सेकंड रीजन था कि वो नाजी से दूर जाना चाहते थे, अपनी फैमिली को जो है सेव करना चाहते थे, क्योंकि ज्यूस की बहुत बुरी हालत कर रहे थे नाजी जर्मनी में, ठीक है, तो मजबूर होकर वो जर्मनी से हॉलैंड आ गए। ठीक, अब आते हैं आगे। इवन दो उन्होंने जर्मनी छोड़ दिया, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस जो थे नाजीज पार्टी की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, वो हॉलैंड में भी उन्होंने झेला। उन्हें ऐसा लगा था कि मैं यहाँ से हॉलैंड आ जाऊँगा तो यहाँ जिंदगी कुछ सुधरी हुई रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उन लोगों को, जैसे मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ, जैसे उन लोगों को वो सिर्फ ज्यूइश स्कूल में ही एडमिशन ले सकते हैं, उन्हें येलो स्टार पहनना होता था अपने कपड़ों पर, ताकि वो बिल्कुल कैटेगरिकली क्लियर हो सके कि ये नाजीज हैं और ये ज्यूइश हैं, ठीक है ना, ये जर्मन हैं और ये हैं। तो और हर
उन्हें सिर्फ शॉपिंग कहाँ अलाउड थी, ज्यूइश स्टोर्स पे, बाकी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत ज्यादा डिमार्केशन था, ठीक है। तो ये जो पूरा इम्पैक्ट था रिस्ट्रिक्शंस का, हॉरर्स का, नाजी पार्टी का, उसकी वजह से ऑटो फ्रैंक को ये लगा और ये कि हम यहाँ पर सेफ होंगे, लेकिन सेफ वहाँ पर भी नहीं थे। और एनी की सिस्टर मार्गरेट ने ये बार बार ये चीज़ें डिस्कस भी की और उसका असर भी दिखता था स्पेशली फैमिली पर। जिस दिन मार्गरेट को ले गए थे तो उसको ले जब गए कंसंट्रेशन कैंप में, उसको रख दिया, फैमिली ये जानती थी और उनको यस ये ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं उस पर आती हूँ उसी वक्त की। बहुत सारी चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट भी, इसकी बहुत ज़रूरत नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। July 9, 1942 में फ्रैंक की फैमिली उस बिल्डिंग में शिफ्ट हुई जिसमें जिसमें बिजनेस चलता था और जिसमें मिस्टर फ्रैंक जहाँ एम्प्लॉय थे, उस बिल्डिंग के एक एनेक्स में, एक अटैचमेंट में, एक अंडरग्राउंड स्टोर में ये लोग शिफ्ट हो गए थे 1942 July 9 को, ठीक है। रूम्स जो थे दे वर अबव वेयरहाउस फ्लोर और एनी उनको बार बार सीक्रेट एनेक्स के नाम पर अपनी डायरी में रेफर करती हैं, ठीक है। फैमिली जो थी कुछ दिनों के बाद वैंडन फैमिली फ्रैंक्स की फैमिली के कुछ दिनों बाद आई उस एनेक्स में। उसके बाद ये फैमिली में मिस्टर डॉन थे, मिसेस डॉन थी, उनका बेटा पीटर था और वो थोड़ा एक साल बड़ा था, ये हम बता चुके हैं आपको, इसके बार बार नहीं बताएंगे। ये जो दोनों फैमिलीज थी काफ़ी लंबा आप देख सकते हैं बच्चों, तो आई एम श्योर आप 9-15 तक मेरे साथ हैं, तो हम फटाफट इसको ख़त्म कर लेते हैं। और कल बने रहिएगा इस लाइव सेशन के एंड तक, क्योंकि लास्ट में समरी बस और दो स्लाइड्स की है तो वो समझा देती हूँ मैं, उसके बाद एक और भी बताएंगे स्टोरी का। और कल के लाइव सेशन में यानी 12 बजे मैं आप सबसे डिटेल में माइंड मैप, और क्योंकि आपके लेसन अच्छे से समझ जाएंगे तो माइंड मैप आपको समझ में आ जाएगा, और फिर RTC और MCQs डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो फैमिलीज थी इस सिचुएशन से खुश नहीं थे, ऑब्वियसली कोई खुश नहीं होगा, और एनी को ये लगता है कि वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं, स्पेशली मिसेस डॉन जो है, और वो ये सोचती हैं कि एक कमरे में 8-8 मेंबर का रहना, जिसमें से मिस्टर डासल के बारे में बता चुकी हूँ, उनके वाइफ तो अमेरिका में थी, ही हैड बीन सेपरेटेड और वो सेपरेट हो चुके थे। उसके बाद से एक यंग वुमेन है जो मिस्टर फ्रैंक के साथ काम करती थी, मिस्टर मीप, उनका भी जिक्र है बार बार। और उसके बाद से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये जो फैमिलीज थी जो सीक्रेट एनेक्स में छुपी हुई थी, उनकी हेल्प भी की, जिसमें से मीप तो है ही हैं, उनके हस्बैंड हैं और मिस्टर कूफियस जिसको बोल रही है वो है। तो ये सारे लोग हेल्पफुल एक बेनिफैक्टर की तरह अराइज हुए और उन्होंने इनकी हेल्प की इस फैमिली की। फिर कुछ और लोग हैं जिन्होंने छोटे छोटे रोल प्ले किए और सर्वाइव करने में हेल्प की, वर्ल्ड वॉर टू को ही सर्वाइव कर पाए, लेकिन एनी और उनकी माँ ज़्यादा दूर दिन तक नहीं चल पाए और उन्हें थोड़ा ये लगता था कि वो उस मैनर में बिहेव नहीं कर पाते थे, उन्हें लगता था कि ये बहुत इरिटेटिंग है। सिचुएशन ये थी कि मतलब बहुत अच्छे डिस्क्रिप्शंस भी हैं उसमें कि इंस्टेड ऑफ मिस्टर फ्रैंक हम ये कह सकते हैं कि जो है और वो माँ की रिक्वेस्ट को, माँ के साथ चूंकि एनी का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट रहता था, मैं शुरू में बता चुकी हूँ, तो वो बोलती हैं कि तो एनी को कहीं ना कहीं लगता था कि मेरी माँ मार्गरेट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, मुझे कम प्यार करती है। तो खैर ये वॉर जो था ये एक जान लिए जा रहा था लोगों की, तो ये फैमिली जो सीक्रेट एनेक्स में थी ये दो किस्म के प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। एक तो एक दूसरे के साथ इन्हें छोटी सी जगह शेयर करनी पड़ती थी, फैमिलीज एक्सटेंड होते जा रहे थे, यानी पहले फ्रैंक, फिर मिस्टर डॉन की फैमिली, फिर मिस्टर डसल, इस तरीके से लोग जुड़ते जा रहे थे। और उन्हें ये भी चिंता थी कि जो लोग हेल्प कर रहे हैं वो कहीं खतरे में ना पड़ जाए, एक प्रॉब्लम ये थी।
दूसरा पार्ट ये था कि अगर हेल्पर्स बीमार पड़ जाते थे तो फैमिलीज को कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था, बाकी की जो नेसेसिटीज थी, कमोडिटीज थी, वो नहीं मिलती थी, ठीक है, बड़ा मुश्किल हो जाता था। फिर बीच में एक भी दिखाया गया कि उस बिल्डिंग में एक दिन बर्गलरी हो गई, चोरी हो गई, कई बार तो कोशिश की उन्होंने बिल्डिंग को ब्रेक करके बर्गलर्स ने अंदर आने की, तो काफी डर लगा रहता था पूरे वक्त। ये फैमिलीज दे वर अंडर कॉन्स्टेंट फियर एंड स्ट्रेस, तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से एनी ने रिप्रेजेंट किए हैं, बताई हैं हमें। और सितंबर 10, 1943 को एनी ने रिकॉर्ड में अपने बताया है कि किस तरीके से फॉल ऑफ इटली, यानी कि उन्हें जब ये खुशी हुई हॉलैंड में जो लोग थे और वर्ल्ड ऑल ओवर, कि शी हैड नरेटेड अबाउट द फॉल ऑफ इटली, और उन्होंने बताया कि अब जो है इसका मतलब और क्लोज आ रहा है, और पास आ रहा है। इधर मिस्टर वान और मिसेस डॉन की हालत ये थी कि ये फैमिली दे हैव रन शॉर्ट ऑफ मनी, दे वर आउट ऑफ मनी, और एक ही उम्मीद थी टू सेल सम ऑफ देयर क्लोथिंग, की कुछ कपड़े बेच करके कुछ पैसे आ जाए और कुछ खर्चा चल पाए। और प्रॉब्लम ये थी मिसेस वान डॉन जो थी वो अपना प्राइज्ड फर कोट नहीं बेचना चाहती थी, और ये कोट जो है उन्हें लगा कि लेकिन इस कोट की वजह से काफी पैसा तो आ ही जाएगा, तो लेकिन उसको बेचना नहीं चाहती थी। ऐसे कुछ छोटी छोटी डिस्क्रिप्शंस और नरेशंस नैरेटिव्स दिए हैं एनी ने, बहुत इंटरेस्टिंग है। मिस्टर वान डान ने कन्विंस किया कि तुम ये परिवार के लिए करना पड़ेगा वरना हमें खाना नहीं मिलेगा, तो ये इधर बाहर जो है युद्ध एकदम आगे इट वॉज कंटिन्यूइंग, और अब लगा कि अब धीरे धीरे सारे ज्यूज को कंसेंट्रेशन कैंप भेजा जा रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा था। शी वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल हर इमोशंस, क्या होगा, लेकिन वो खुश थी कि कंसंट्रेशन कैंप में एटलीस्ट वो नहीं है, और वो यहाँ छुपे हुए जरूर हैं, वो सेफ हैं। लेकिन कई बार उसे लगता था कि अपने दोस्तों के बारे में कि वो लोग सिक्योर नहीं हैं, और ये सारी चीज़ें शी दैट हैज़ बीन शोन। उसके बाद से अगर इंग्लिश आ गए तो, यानी तो उसके बाद क्या होगा, फिर जर्मन्स क्या हर एक की लाइफ को खतरे में डाल देंगे, ये सारी कुछ सवाल जवाब हैं जो टाइम एंड अगेन उन्होंने पूरी डायरी में आपको मिलेगा। तो ये हो गया हमारा अलग। उसके बाद से पीटर वान डान में वो अपना दोस्त ढूंढती हैं, काफ़ी चुप रहता है, उन्हें लगता है कि ये चुप रहता है, इंट्रोवर्ट है, इसलिए शायद उनके सारे सीक्रेट्स रखेगा, लेकिन ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं। हाँ, दे शेयर रिलेशनशिप, बट वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि पीटर के लिए एनी के मन में एक वो चाहती है कि वो फ्रेंड से बॉयफ्रेंड बन जाए, बट पीटर को इंटरेस्ट नहीं है, यही कह रही। तो बाद में एनी का भी बहुत इरिटेटिंग हो जाती है, एनी बहुत इरिटेट होने लगती है पीटर से, तो ये जो रिलेशनशिप है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। जून 6, 1944 ये इम्पोर्टेंट है, इन्वेजन हुआ, और जो डी डे था, डी डे मतलब डेथ डे, डिस्ट्रक्शन डे, जो भी समझ लीजिए आप, इट वॉज अ ग्रेट सोर्स ऑफ जॉय फॉर एवरी वन ऑक्यूपाइड यूरोप में स्पेशली। आप थोड़ा बेटा हिस्ट्री जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम एनी फ्रैंक की बात करते हैं वी टॉक अबाउट नाजीज पार्टी इन जर्मनी, और आपके SST में शायद एक चैप्टर भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन क्लास 9th है या क्लास 10th में, प्लीज उसको पढ़ लीजिएगा, और काफी हेल्प मिल जाएगा। तो जो मेंबर सीक्रेट एनेक्स में रह रहे थे उन्हें 1944 में अक्टूबर में ये जगह छोड़नी पड़ी, और एनी जो थी उनकी फाइनल डायरी एंट्री में ये बताया गया है, वो खुश तो बहुत थी लेकिन कि सीक्रेट एक्सेस में एनेक्स में, लेकिन उन्हें कंसंट्रेशन कैंप नहीं जाना पड़ रहा है, और डायरी ने ये शो किया है, एक्सप्लोर किया है एक ऐसी फीलिंग को, एक यंग गर्ल की फीलिंग को, कि किस तरीके से वो टीनेजर से मेच्योर हो रही हैं, एंड वी आर लेफ्ट विद द फीलिंग ऑफ एक्चुअली नोइंग दीज पीपल। और वाकई पता चलता है कि एनी की लाइफ में कौन कौन थे, और कितनी खूबसूरती से उन्होंने इन सब की डिटेल्स और इनके ट्रेट्स के बारे में बताया है। एंड वी आर एट द एंड ऑफ द लाइव सेशन, एंड हियर कम्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी। रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप देखिए क्यों, क्योंकि अगर डायरी एंट्री, अगर डायरी नहीं होती, एनी फ्रैंक ने डायरी नहीं लिखी होती, तो आप सोचिए दुनिया आज भी समझ नहीं पाती कि उन दिनों क्या हुआ था, नाजीज के टॉर्चर से किस तरीके से ज्यूश कि कितनी बुरी हालत थी। और स्पेशली एनी ने जो कुछ भी लिखा था, जो एक इंसाइट था कि उस वक्त ज्यूस की लाइफ में क्या गुजर रहा था जब वो हाइडिंग में थे, जब वो छुपे हुए थे, तो दिस इज एनी, एनी इज डिटेल्ड डायरी, दिस इज ऑटोबायोग्राफी। तो मॉरल
ऑफ द स्टोरी तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि रिकॉर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और अगर रिकॉर्ड्स हमें आज नहीं मिलते एनी के डायरी के रूप में, तो शायद दुनिया आज भी अनजान रहती कि क्या हुआ था। बाद में उनकी ये डायरी उनके फादर ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पब्लिश कराई ये ऑटोबायोग्राफी के रूप में। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल चिल्ड्रन। हालांकि आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी चीज़ें थी, हम जैसे माइंड मैप पर कल आएंगे, और कल मैं आपको माइंड मैप समझाऊंगी, कल कुछ इंटरेस्टिंग आरटीक्यूज, आरटीसीज और एमसीक्यूज करेंगे बेटा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल चिल्ड्रन। सो आई एम साइनिंग ऑफ नाउ सेइंग गॉड ब्लेस यू एंड विशिंग गुड हेल्थ एंड गुड रिजल्ट फॉर ऑल ऑफ यू। और मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ, और थैंक यू चिल्ड्रन। मैं हर्ष ने काफी डाउट्स इसको डिस्क्लोज मत करिए, मैं कहाँ पर क्या हूँ बेटा ये मत बताइए आप। ठीक है, यस, रेनबो लॉन का मतलब आई होप पता चली गया आपको। और कोई डाउट है, प्लग डाउन का एक बच्चे ने पूछा था या बताया है किसी बच्चे ने ही, पुट डाउन है ना कैजुअली, वेरी गुड बेटा, प्लग डाउन। ठीक है, पेज नंबर 5 पे। थैंक यू, थैंक यू उत्कर्ष फॉर क्लियरिंग डाउट ऑफ अखंड। और मैं एक बार बस, मैंने कहा था ना आपको मैं लास्ट में देखूंगी। सो बाय बाय, गुड नाइट चिल्ड्रन, एंड आई लव यू ऑल। यू हैव बीन सो गुड पेशेंट लिसनर, क्योंकि इस चैप्टर को नॉर्मली बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ी कोशिश की कि मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकूँ। आई होप, एंशियस का मतलब होता है वरिड, चिंतित होना। ठीक है बेटा, और छोटी छोटी वर्ड मीनिंग्स के लिए प्लीज डोंट आस्क शिवम, मेक इट डेवलप अ हैबिट ऑफ लुकिंग इनटू योर डिक्शनरी, क्योंकि हर मीनिंग का, हर वर्ड की मीनिंग आप खुद भी एक्सप्लोर करिए बच्चे, और उसको पढ़िए, उसको बहुत स्पेशली टेक्स्ट पढ़ते वक्त मैं एक सलाह दूंगी आपको कि आप वर्ड्स को इनसर्कल कर लीजिए, उनकी मीनिंग ढूंढिए। ठीक है, और खुद हर चीज का मतलब नहीं ढूंढा जाता है, ठीक है, मतलब नहीं पूछा जाता, आप ढूंढिए उसको, एक्सप्लोर करिए। हाँ, लाइव सेशन के दौरान अगर हम उन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो यस, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, और गॉड ब्लेस यू ऑल। सो कल सब 12 बजे मिलेंगे, और मैक्सिमम बच्चों को और कोशिश करेंगे वो हमसे जुड़े। लेट मी सी, कल जो है, थैंक यू स्नेहा, थैंक यू सो मच बच्चा, और आई एम श्योर आप कल से हर बच्चा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे, कम से कम अपने 5 दोस्तों को इंश्योर कर लो कि वो जुड़े, और तो मज़ा ही आ जाएगा। हालांकि 20-25 बच्चे आज टॉप चैट पे थे, बट मुझे ये नंबर किसी भी तरह 50 तक करना है, आई वॉन्ट टू मेक इट 50। चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।